हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। सो ये लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी लर्निंग है। ये केवल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हो, इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, जैसे कंपैरेटर। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं एंड उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया होगा फ्रेंड्स, और ये स्ट्रिंग में ये भी गिवन है कि इसमें केवल लोअर केस अल्फ़ाबेट होंगे एंड अपर केस अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, जैसे डिजिट नहीं होंगे, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, तो ये भी हमारा लाइफ थोड़ा ईजी कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे ई की फ्रीक्वेंसी है 2 बार, क्योंकि 2 बार आकर किया है इसने। आर की फ्रीक्वेंसी है 1 एंड टी की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको इसको अरेंज करना है कैरेक्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ई सबसे पहले आएगा क्योंकि ई की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ई सबसे पहले आया। उसके बाद आर एंड टी की फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता, आप चाहो तो आर रख लो पहले या टी रख लो, बोथ आर फाइन। सो दोनों एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, डबल ई आर टी, डबल ई टी आर। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि डबल ई आर टी ये बता रहा है कि आउटपुट हो सकता है, और फिर बाद में बोलता है डबल ई टी आर भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, राइट। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल लें, राइट। तो डायरेक्टली कोडिंग पैनल पे ही चलते हैं, वहाँ कोड करते रहेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे। कोडिंग पैनल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे जो होगा अराउंड 125 साइज का रख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोअर केस अल्फाबेट का ASCII कोड क्या होता है, 97 से 122। ठीक है, अगर अपर केस की बात करें तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, सो 65 to 90। तो अगर कोई ऐसा एरे ले लें जो 125 तक हो, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो जीरो से ही शुरू होगी, तो बीच से ले नहीं सकते, तो जीरो से लेके 125 तक ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें सारे हमारे लोअर केस एंड अपर केस अल्फाबेट कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते रहेंगे। तो सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, INT ARR इक्वल टू न्यू INT, और जिसका साइज देते हैं 125 एंड 125, और फिर इस स्ट्रिंग पे लूप चलाते हैं। यहाँ लिखते हैं कैर सी एच एस टू कैर एरे। सो ये टू कैर एरे बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये करता क्या है, जैसे एस में ट्री आता है तो क्या करेगा, ट्री को एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से, और एक ही कैरेक्टर सी एच में डालता जाएगा, एक ही कैरेक्टर आता जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ARR CH++। इससे होगा क्या फ्रेंड, सपोज करो कि आपके पास ए आया, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए ASCII कोड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर में, और ASCII कोड इसका क्या है, 65, और 65 पे जो भी डेटा होगा उसको एक से बढ़ा देगा। तो इनिशियली जीरो होगा, उसको वन कर देगा, वन को क्या कर देगा, टू, एंड सो ऑन, जब भी अकर करेगा ए बी, ऐसी सारी कैरेक्टर जैसे अकर करेंगी वहाँ पर जाएंगे उस इंडेक्स पे, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। अब इस लूप के बाद हमारे पास ये एरे है जिसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं एंड अब एक काम करते हैं, क्लास बना लेते हैं, तभी हम इसको कैरेक्टर के बेसिस पे सॉर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ बनाते हैं क्लास पेयर, और पेयर में दो चीज़ें लेते हैं, एक लेते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर सी एच, एंड एक लेते हैं काउंट कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया, जैसे ई 2 बार आया है, आर 1 बार आया, ऐसा कुछ करने के लिए। और यहाँ पर फिर लेते हैं कंस्ट्रक्टर, और यहाँ लेते हैं कैर सी एच, फिर लेते हैं INT काउंट, और यहाँ लेते हैं दिस सी एच इक्वल टू सी एच एंड दिस काउंट इक्वल टू काउंट, राइट। तो ये मामला सॉर्टेड है हमारा। अब एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट किस चीज़ का भाई, पेयर का, और इसका नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी लिस्ट, और यहाँ लेते हैं न्यू
linked list। तो अब क्या करते हैं, एरे को ट्रेवर्स करते हैं, जिसकी भी फ्रिक्वेंसी जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा इट मीन्स कि वो कैरेक्टर अकर किया है, तो उसको हम लोग इस फ्रिक्वेंसी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे फॉर int i इक्वल टू, ये 65 से चला देते हैं क्योंकि 0 to 64 कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं, तो डायरेक्टली हम 65 से चला देंगे तो थोड़ा टाइम हमारा सेव होगा। और यहाँ क्या करते हैं 122 एंड i प्लस प्लस, दैट्स इट। इफ़ arr ऑफ i ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है इट मीन्स कि वो कैरेक्टर अकर किया है, अगर किसी भी कैरेक्टर की काउंट 0 है इट मीन्स को कैरेक्टर अकर ही नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी लिस्ट में उस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे विथ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिस्ट, और इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट न्यू पेयर का, और न्यू पेयर में दो चीज़ें पास करना है, एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या होगा, ये आई ही होगा। अब आई है तो 65 नहीं पास करेंगे, इसको कैर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैर में कन्वर्ट कर लेंगे किसको, आई को, एंड फिर क्या पास करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो कैसे पता चलेगा, ए आर आर ऑफ आई से। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है कैरेक्टर और ये है इसका फ्रीक्वेंसी, राइट। जैसे 65 है तो 65 इंडेक्स पे क्या होगा, 65 मतलब कैपिटल ए, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर, राइट। तो समवॉट इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। एंड तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लिस्ट है उसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं और एंड उसकी फ्रीक्वेंसी है या काउंट है आप बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और किसको सॉर्ट करना है भाई, फ्रीक्वेंसी लिस्ट को सॉर्ट करना है, राइट। एंड किस बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू कंपैरेटर, और कंपैरेटर किस पे लगाना है, पेयर पे लगाना है, तो पेयर पास कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर हमें कंपेयर फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, अपनी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी कि किस बेसिस पे आप क्या करो, सॉर्ट करो। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक int कंपेयर, और यहाँ पर लिखते हैं पेयर ए एंड पेयर बी, राइट। और इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कि भाई काउंट के बेसिस पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी डॉट काउंट, पहले बी का काउंट लेंगे माइनस ए डॉट काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब सॉर्ट हो गया, अब लिस्ट में क्या है, वो कैरेक्टर पहले है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट, और वो कैरेक्टर लास्ट में होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तो कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसीज हैं, अब इसको यूज़ करके हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो सबसे बेहतर जो होगा, यहाँ लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, है ना, ताकि अपेंड करने में कम कॉस्टली अपेंड हो हमारा। तो यहाँ लेते हैं sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, और फ्रीक्वेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर, और यहाँ पर लिखते हैं पेयर पी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिस्ट। तो फ्रीक्वेंसी लिस्ट में से एक एक एलिमेंट निकाल के पी में डालता जाएगा, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट से int काउंट इक्वल टू ले लेते हैं पी डॉट काउंट। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो पी में क्या आया, पी में एक पेयर आया कि भाई ई जो है दो बार अकर किया है, तो ये काउंट में है, राइट, और ये सी एच में है। तो अब करेंगे क्या, काउंट में काउंट ले लेंगे, और जैसे दो बार काउंट है तो हमें दो बार ई अपेंड करना पड़ेगा, राइट। अगर चार बार ई है तो चार बार ई अपेंड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं काउंट यहाँ निकाल रहा हूँ, और फिर क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ लूप चला दूँगा वाइल काउंट माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि काउंट जब तक जीरो से बड़ा है तब तक भाई अपेंड करते रहो, और एक एक माइनस भी करते रहो। जैसे दो आया तो क्या करेंगे, एक ई ऐड करेंगे अपने स्ट्रिंग में, या लिखेंगे एस बी अपेंड, और यहाँ पर क्या करेंगे पी डॉट कैच पी डॉट सी एच, है ना, इसी में कैरेक्टर स्टोर्ड है। तो अपेंड करते रहेंगे और फिर काउंट को माइनस करते रहेंगे, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इस लूप के बाद स्ट्रिंग तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन वो स्ट्रिंग बिल्डर है, और हमें रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है।
तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ करेंगे रिटर्न sb टू स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड, लेट मी रन दिस। सो यहाँ कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, दो तीन जगह दे रहा है एरर। ओके इसको सही करते हैं, यहाँ सेमी कलन लगेगा। और क्या एरर है भाई, लाइन नंबर 24 पे भी सेमी कॉलन मिसिंग है और 32 पे भी सेमी कॉलन मिसिंग है। हाँ तो सेमी कॉलन बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ ये कलेक्शन जो है यहाँ पर हमें सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स, अब इसको सबमिट करते हैं। तो कह रहा है रॉन्ग आंसर फॉर दिस। ओके सो कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोग से, एक बार सॉल्यूशन को गो थ्रू करते हैं। अच्छा इसमें डिजिट भी डाल दिया है ना, शायद प्रॉब्लम में नहीं था कि डिजिट भी होगा। लेट मी चेक, इस कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश एंड डिजिट्स। ओके सो डिजिट मैंने मिस कर दिया। तो एक काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लूप चलाया हमने 65 से, इसको 48 से चलाना पड़ेगा क्योंकि 48 जीरो होता है। तो 48 चलाओ या जीरो ही कर दो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ 48 से भी चलाऊंगा तो काम मेरा चल जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मिस कर दिया था कि उसमें डिजिट्स भी हैं, ठीक है। तो डिजिट वाले से गड़बड़ हो रहा था। अब सबमिट करता हूँ, तो मुझे लग रहा सबमिट हो गया। यस तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है और ये 94% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। तो बढ़िया ये परसेंटेज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा फ्रेंड्स, तो लाइक एंड कमेंट करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।